नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आज एक बार फिर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस में जिस रूप में गारंटियों को जनता के सामने पेश किया गया, उस रूप में अब पूरा नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के गुमराह करने के तरीके को लोग समझ गए हैं। मुख्यमंत्री हर सभा में कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, ऐसे में शिमला का विकास बीजेपी केंद्र के सहयोग से करेगी। राजीव बिंदल ने कहा कि रोपवे व पानी की स्कीम के लिए करोड़ों रुपए केंद्र हिमाचल को देगा। बीजेपी के कामों का श्रेय कांग्रेस चुनावों के समय लेने की कोशिश कर रही है। बिंदल ने कहा कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पर दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की बात कोई नई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल जयराम सरकार ने किया, कांग्रेस तो इसमें 4 महीने लेट हो गई है। नगर निगम शिमला के चुनावों के समय दिए व नियमितीकरण को नए तरीके से पेश कर फायदा लेने की कोशिश हो रही है। किस बूथ में कितने लोग और कौन कौन नेता उसमें रहे, वो सारा प्लान चार्ट ये है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। हम ये मान के चल रहे थे कि 4 महीने पहले जो सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को सत्ता में लेकर के आई और सत्ता में आने का जो कारण बना, लोक लुभावन गारंटियां जो कारण बना, उस पर 4 महीने में तो कुछ नहीं किया। हो सकता है कॉरपोरेशन चुनाव के कारण ही शायद जनता को वो गारंटियां मिल जाएं, तो वो गारंटियां तो नहीं मिली। वी वर वेटिंग, ईगरली वेटिंग, जनता भी इंतजार कर रही थी। एक चुनाव निकल गया, दूसरा आ गया, हो सकता है उसके लिए वो गारंटियों की बात हो जाए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य सभी नेतागण इन गारंटियों के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।